राम राम एंड जय श्री राम फ्रेंड। तो कैसे हैं, मैं हूं राहुल अफ्रा, देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राहुल अफ्रा ब्लॉग। तो अभी हम पहुंचे हैं एक बार हिंदू भाई की शॉप के ऊपर, जो कि चोरस्तान के अंदर शॉप है हिंदू भाई की हमारी, और उनके पास पहुंचे, उनकी मोटरसाइकिल बाइक की शॉप है। उनसे पूछते हैं कि वो एक दिन का कितने पैसे कमाते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, सुबह किस टाइम आते हैं, शाम किस टाइम जाते हैं, और यानी कि एक दिन का कितना कमा लेते हैं पाकिस्तान में। और हमारे हिंदू भाई की शॉप है यहाँ पर। तो जल्दी से हमारे चैनल को, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं हूँ राहुल अफ्रा, मैं पाकिस्तानी हिंदू। तो ये शॉप है विक्रम भाई की, और साथ में देख सकते हैं कि ये जो ना बाइक वगैरह काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी शॉप है विक्रम भाई की। और विक्रम भाई इधर बाइक का काम भी कर रहे हैं। राम राम भाई। जय श्री राम भाई, कैसे हो? ठीक भाई। अच्छा, तो ये आप क्या कर रहे हैं? तो भाई ये है गाड़ी का फिल्टर, इससे हवा साफ होगी, सीधी इंजन में जाती है, कार्पेटर के अंदर जाके इधर हेड में जाके ये जाती है। अच्छा, इसका ये यानी कि इसका ये फिल्टर है, ये हवा ला। अच्छा, तो ये फिल्टर है। ये इस बाइक का नाम क्या, चाइना बाइक है क्या, ऐसे बोलते हैं? ये चाइना बाइक यूनाइटेड है। अच्छा, तो ये चाइना बाइक है। अच्छा, तो ये बताओ कि सुबह आप किस टाइम आते हैं घर से? घर हम आ जाते हैं 7 बजे। आ जाते हैं 7 बजे सुबह आ जाते हैं। अच्छा गाइस, ये 7 बजे सुबह आ जाते हैं, और तकरीबन एक दिन का कितने पैसे कमा लेते हो यहाँ से? यहाँ से यार कभी 2000, कभी 2500, कभी 3000। अच्छा, 2000-2500 कमा लेते हैं, लेकिन महंगाई भी तो बहुत है पाकिस्तान में ना। बहुत ही ज्यादा महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं आ रहा। नहीं, अच्छा, महंगाई की वजह से कस्टमर इतना नहीं आ रहा। तो ये गाइस, ये इस तरीके की कुछ बाइक होती है पाकिस्तान में, जिसका काम किया जाता है, ये टायर वगैरह होता है, ये चैन वगैरह होती है। और इधर देखें भाई साहब, विक्रम भाई फिल्टर का काम कर रहे हैं, नीचे इनके अवजार वगैरह पड़े हुए हैं। हाँ, ये कार्पेटर, ये देख सकते हैं, ये हवा वाला पंप है कुछ इस तरीके से, इसको ऐसे करते हैं तो इसे फूंक निकलती है, और निकलती है, सॉरी फूंक में बोल दिया। तो ये गाइस टैंकी है जिससे हवा वगैरह भरते हैं। और इधर एक भाई और काम कर रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं, देख सकते हैं ये है पंचर लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये ट्यूब होती है ना, ट्यूब के अंदर ऐसे रगड़ी करके पंचर वगैरह लगाते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये सामान पड़ा हुआ है, और यानी कि अगर बाइक हवा वगैरह कांटा वगैरह कील वगैरह लग जाए ना, तो उससे हवा निकल जाती है। इधर राजकुमार भाई काम कर रहे हैं। तो अभी रहे इस लड़के ने, राजकुमार ने मैट्रक का पेपर दिया है, और फिर भी ये पंचर लगा रहा है। अभी यानी कि मैट्रिक सी क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान में, यानी कि 10 मुकम्मल कर दिए, अभी कॉलेज से जाना, लेकिन उससे पहले पंचर लगा रहा है। इसे पूछते हैं, राम राम भाई। जय श्री राम, कैसे हो? ठीक। क्या कर रहे हो? पंचर लगा रहा हूँ भाई। पंचर, गाड़ी का पंचर लगा रहे हो? कितनी क्लास पढ़ी तुमने? मैट्रिक पास हो गई। मैट्रिक पास हो गई, अभी कॉलेज जाने का क्या रहता, नहीं जाओगे क्या? अभी पंचर तो लगा लो। तो अभी पंचर लगा रहे हैं, पंचर लगाने के बाद इस तरीके से कुछ काम करते हैं, और बाहर का माहौल भी दिखाते हैं आपको कुछ इस तरीके से। बाहर की शॉप है ये देखें, और साथ में सड़क और सामने खेत वगैरह, और इधर बाइक है। तो अभी अंदर के चलते हैं, इनकी शॉप अंदर से आपको दिखाते हैं। छोटी सी शॉप है और कच्ची शॉप है ये देख सकते हैं। साथ में ना इस तरीके से ईंटें वगैरह लगी होती है, यहाँ पर आईना भी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और इनके कुछ अवजार वगैरह पड़े हुए देखें आप, और इधर भी कंप्यूटर भी रखा हुआ है, और इस तो इस तरीके से कुछ सामान कबाड़ का पड़ा हुआ ये देखें, और हमारे हिंदू भाई की शॉप ये देखें। यहाँ से इस तरीके से कुछ अवजार पड़े हुए हैं, ये फिल्टर वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर, और अभी बाहर भाई साहब दोनों भाई लगे पड़े हैं, उस ये दोनों भाई हैं साथ में काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर चोरिस्तान के इलाके में आया हूँ, तो हमारे साथ में एक मंदिर बहुत बड़ा है, उस मंदिर को विजिट करने जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा ही मंदिर है, तो उसको वो भी आपको दिखाएंगे, हमारी वीडियो वो भी आने वाली है, मंदिर वाली वो भी हम अभी जाएंगे घूमने के लिए। ये भाई पंचर लगा रहे, फिर हम दोनों साथ में जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, वो भी आप देखिएगा, और बहुत ही अच्छी शॉप है ये। तो जितना हो सके सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और साथ में भर रही है सड़क, यहाँ देखते हैं ये सड़क ना टूटी हुई थी, और ये सड़क अभी मुकम्मल अच्छी से भर रही है, ककरे वगैरह लगा रहे हैं वहाँ पर, ट्रालियाँ जो ना काम वगैरह कर रही है, ताकि ये सड़क जो मुकम्मल हो जाए। और ये देखें कुछ ककरे की ट्राली आ रही है, जो कि सड़क ये वाली ना टूटी फटी थी सड़क, वो भी अच्छे से बन जाएगी। इस तरह को ककरे की शॉप होती है,